हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेदमी मेरा नाम है कृतिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का अन अकेदमी की हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लासेस में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं कृतिका फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में आज आपके लिए एक बहुत ही नई और यूनिक सीरीज मैं लेके आई हूँ जिसका मुझे लगता है शायद सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की जो मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ाती थी उसके लिए लिए दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन मई में लेकर के आई हूँ जी हाँ हमारा सबका आपका एक ही टारगेट है मिशन मई क्योंकि दो मई से लेकर सत्रह मई के बीच में आपके एग्जाम्स हैं हमारे पास में डेज हैं ओनली सिक्सटी तो सिक्सटी डेज की क्या ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें मेरा आप लोगों के साथ में जो भी मैं आपसे वादे कर रही हूँ कि मैं आपसे 200 सौ एमसीक्यूज भी लूंगी डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगी और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी इन सभी चीजों के लिए हमारा जो टाइमिंग है गाइस वो चुना गया है सुबह साढ़े दस बजे वही मंडे टू फ्राइडे तो आज हो चुका है फ्राइडे तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे के दिन होगी तो उम्मीद करती हूं आप लोगों को मेरी तरफ से जो नया इनिशिएट मैंने लिया है ताकि आप लोगों का एक भी सब्जेक्ट मिस ना हो किसी रीजन की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स आपके हो पा रहे हैं कुछ नहीं हो पा रहे तो हम जितने भी एजुकेटर्स अभी अकेडमी पर काम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरह का जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल हो जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो उसी के लिए मैंने YouTube पे नया मेरा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन मई 2021 जिसमें मेरी पूरी तैयारी है आप लोगों को के लिए एनवायरमेंट से रिलेटेड आई एम सी उसको सॉल्व करवाने की तो एक बार मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं और एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है दोस्तों वॉइस इज क्लियर है वॉइस इज क्लियर नाउ सॉरी आवाज क्लियर है मेरी बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग जल्दी से आइए मिशन मई से के साथ में जुड़ने के लिए रेडी रहें तो देखिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की अब ये क्लास आप लोगों के लिए मंडे टू फ्राइडे टेन थर्टी एम पे होगी इस क्लास की मैं आपको कुछ खासियत बता देती हूँ खासियत सबसे बड़ी ये है दोस्तों कोई एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा यहाँ पे लाइक मेरा अगर टारगेट है कि मैं आपको 200 सौ एमसी कराऊंगी तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है मतलब कि सभी क्वेश्चन नए हैं और दोस्तों जो मैं सवाल आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो 2020 के इंपॉर्टेंट करंट एमसी हैं है एनवायरमेंट के दो हजार बीस में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इंडिया के अंदर और जो ग्लोबल लेवल पे जो इवेंट्स हुए हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी ना केवल कवर करूंगी बल्कि आपको इसको डिटेल्ड के अंदर एक्सप्लेन भी करूंगी और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को हमेशा इशू रहता है कि मैम मिलेगा काफी लोग पूछते हैं है मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो पीडीएफ आपको यही मिलेगा ये जो कंप्लीट पीडीएफ है लाइक आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसका पी डी एफ आपको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिलेगा जहां से आप सीधा मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और रही बात मेरी और क्लासेस की तो दोस्तों रात को नौ बजे मॉर्निंग में नाइन थर्टी पी एम पे भी मेरी स्पेशल क्लास होती है पेपर वन की जहां पे आज मैं कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आप देख सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एनवायरमेंट यूट्यूब पे होता है प्लस पे मैं हायर एजुकेशन पढ़ा रही हूँ और कम्युनिकेशन में स्पेशल पे पढ़ा रही हूँ इसका मतलब ये है कि एक एजुकेटर्स के साथ में मिलकर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों मेरा अगर मैं नाम बताऊं तो सॉरी मैं मेरा काफी लेट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कृतिका पारिक मेरा नाम है मैं अन अकेडमी पर एजुकेटर हूं दोस्तों और आप अगर अन अकेडमी पर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपने नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने स्पेशल क्लास को एनरोल करवाते वक्त और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त कोड आप लोग यूज कर सकते हो यू जी सी टेन मतलब ये जब भी एनअकैडमी पर आप पहली बार जाएंगे तो आपसे कोड मांगा जाएगा तब आप यूजीसी टेन अप्लाई कर सकते हो कृतिका पारिक नाम से मेरी प्रोफाइल है इसको आप फॉलो कर सकते हो मेरा अभी ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए गाइस आपके सामने अवेलेबल है प्लान वन मंथ टू ट्वेंटी फोर मंथ सभी प्लान बेस्ट है बट अगर आप मुझसे पूछो मैम ग्रेट प्लान कौन सा है तो ग्रेट प्लान तो बारह महीना और चौबीस महीने का है फीस आपकी तेरह हजार है यहां पे लगाओगे यूजीसी टेन यूजीसी टेन लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दस परसेंट का और फीस आपकी हो जाती है सीधी बारह हजार तीन सौ रुपए तो जिसको भी लेना है सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जल्दी से आप लोग कवर करा सकते हैं और मेरे साथ में आकर के आप जुड़ सकते हैं चलिए जी ठीक है

पिछली बार भी मैंने पाँच सौ की सीरीज चलाई थी सिर्फ पच एक महीने में मैंने पाँच सौ कवर कराए थे सेम उसी तरह मैं 200 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाऊंगी तो आप सोचिए कि यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अगर आप मेरे एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज भी कवर कर लोगे तो मुझे लगता है आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने प्लस पे एनवायरनमेंट पढ़ा है मैंने एक बात साफ बोली है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने पी डी एफ दिए हैं एन्वायरमेंट के वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही मेहनत से बनाए हुए पी थे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एनवायरमेंट की क्लास में आप यूट्यूब क्लास लीजिए प्लस क्लास लीजिए स्पेशल क्लास लीजिए आपको सभी में इक्वल बेनिफिट मिलेगा ओके सो चलिए एक बार फटाफट से थम्सअप कर दीजिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल को और आप लोगों के लिए आ रहा है इस पहला सवाल तो एक बार जल्दी से थम्सअप हो जाए लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा लीजिए कावेरी डेल्टा रीजन आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा द कावेरी डेल्टा रीजन विच इज सेट टू बी डिक्लेयर ए प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन इज लोकेटेड इन विच स्टेट कर्नाटका तमिलनाडु केरला एंड आंध्र प्रदेश ए बी सी या फिर डी जल्दी से आंसर बताइए काफी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जिसे संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र में लिया जाता है किस राज्य के अंदर है कावेरी डेल्टा रीजन अब अगर आप ज्योग्राफी से हैं तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको इसमें सोचने की भी जरूरत है चलिए जी बहुत ही बढ़िया मिक्स आंसर सब लोग दे रहे हैं बट मैं आंसर आपको बता दूं गाइस द राइट आंसर इज बी इट्स तमिलनाडु तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे साफ लिखा है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इड्डापट्टी के पालिन स्वामी रिसेंटली अनाउंस्ड द दे कावेरी डेल्टा रीजन वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन यानी कि ये एक विशेष कृषि क्षेत्र में जाना जाएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदपादी दे पलानी स्वामी ने घोषणा करी थी इस घोषणा के अंदर उन्होंने क्या बताया था राज्य की खाद्य सुरक्षा क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है आपका इंडिया के अंदर स्पेशली पॉपुलेशन ज्यादा है लैंड कम है तो यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ते हैं तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर होता है दोस्तों वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है और यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो सब्सिडेंस एग्रीकल्चर किया जाता है मतलब कि जीवन निर्वाह कृषि यहाँ की जाती है जब भी एग्रीकल्चर की बात आती है तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी दोस्तों एग्रीकल्चर का जहां बात आती है तो हमारे देर आर सेवनटीन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सत्रह तरह के एग्रीकल्चर के टाइप्स होते हैं जिसके अंदर एक होती है सब्सडेंस एग्रीकल्चर सॉरी सब्सडेंस एग्रीकल्चर जिसको बोला जाता है जीवन निर्वाह कृषि किस नाम से जाना जाता है जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है अब आप सभी जानते हैं कि अगर ऑल ओवर इंडिया को अगर हम देखें दोस्तों तो इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है ये देखिए ऐसा कुछ आपके इंडिया का मैप होता है इंडिया का अगर टोटल देखा जाए तो यहां पे गाइस इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है गहन कृषि मतलब ये कि ऐसी कृषि जहां पे लैंड एरिया कम होता है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो यहां पे कावेरी डेल्टा को रीजन क्या था खाद्य सुरक्षा पढ़ा होगा आपने लाइन पढ़ी होगी यहां पे खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी कि लोगों तक अच्छे से फूड पहुंच जाए इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंड को सेव करना पड़ेगा ताकि हमारा जो टारगेट है सभी लोगों तक खाना पहुंचाने का वो पूरा हो पाए तो इंडिया के अंदर स्पेशली याद रखना सब्सिडेंस एग्रीकल्चर की जाती है ये एक ऐसी एग्रीकल्चर होती है जिसमें अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कृषि होती है दो तरह की होती है एक सब्सडेंस और एक कॉमर्शियल कॉमर्शियल का मतलब हमने हमारे लिए तो प्रोडक्शन कर ही लिया इसी के साथ साथ हम उसका व्यापार भी करेंगे फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया कैनेडा हो गया यहां पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है और हमारे इंडिया में सब्सडेंस एग्रीकल्चर इंटेंसिव वे में की जाती है क्लियर टू एवरी शेयर कीजिए दोस्तों जल्दी से शेयर कीजिए तो देखिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी इसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि तमिलनाडु के मध्य जिलों में कावेरी डेल्टा से संरक्षित कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा इस संबंध में विशेष कानून बनाए जाएंगे तो जो कावेरी नदी है दोस्तों हमारे इंडिया में तीन स्टेट से होके गुजरती है कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तो आपको डाउट हो सकता था इसमें क्योंकि इसका जो रीजन है दोस्तों हमारे यहाँ पे कावेरी नदी को अगर मैं दर्शाऊं आपको दोस्तों तो कावेरी नदी यहाँ पर आपके आता है एक अरेबियन सी ठीक है और इधर पाई जाती है बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल तो अरेबियन सी से मात्र और मात्र ओनली 57 किलोमीटर अवे से कावेरी रिवर निकलती है और फिर वो फ्लो करती हुई इधर आके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में हमारे अलग अलग तरह के वाटरफॉल्स भी ये बनाती है तो तीन स्टेट्स को ये कवर करती है कर्नाटका तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कैट को कवर करती है कैट नाम याद रखना कैट जिसमें आते हैं आपके कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तो कावेरी इज इक्वल टू कैट कौन कौन से स्टेट हो गए कर्नाटका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा कमेंट सेक्शन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये सवाल हमारा बिल्कुल क्लियर रहा अभी जो आपके जो कावेरी डेल्टा रीजन है ये आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडपादी पलानी स्वामी ने किया था किसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कोलाबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बहुत ही अच्छा सवाल है कि सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी पर कार्यबल भार किस देश के बीच एक सहयोग है स्विट्जरलैंड नॉर्वे स्वीडन एंड फ्रांस ए बी सी फिर डी। जल्दी से आंसर बताइए बस आप लोग शेयर करिए कंटिन्यू मिक्स आंसर ये ये अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी मिक्स आंसर देते हैं आप लोग पूछा गया है टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी तो पहले बात तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी ब्लू इकोनॉमी है क्या चीज फिर पता होना चाहिए कि किस कॉलेबोरेशन भी हुआ है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और किस कंट्री के बीच में हुआ है सो इज द राइट आंसर इज बी इट्स अ अर्वे इंडिया एंड नार्वे याद नाम रख लेना नार्वे के बीच के अंदर ये कोलाबोरेशन किया गया था बी इज द वेरी करेक्ट आंसर कैसे होगा बी ये देखिए द इंडिया नार्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाई इंडिया अर्थ साइंस मिनिस्टर हर्षवर्धन एंड नॉर्वेज मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट मतलब कि हमारी जो क्लाइमेट है जलवायु और पर्यावरण के लिए ब्लू इकोनॉमी नाम का एक प्रोग्राम दिया गया था अब इसमें क्या किया गया था दोस्तों हमारे इंडिया से तो थी डॉक्टर हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बारे में आप सभी जानते हैं अभी ये हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं पहले ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इसी के साथ साथ जलवायु और पर्यावरण मंत्री द्वारा किया गया था क्या किया गया था इसमें दोनों देशों ने महासागर प्रबंधन महासागर प्रबंधन और अनुसंधान में सहयोग के लिए एक नई रूपरेखा की शुरुआत करी है जनवरी 2019 में भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से यह पेश किया गया था तो याद रखना सबसे पहला कोई पता होना चाहिए ब्लू इकोनॉमी क्या है तो ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू ओशियंस ये हमारे महासागर से रिलेट करती है हमने देखा होगा पानी ऊपर से ब्लू नजर आता है पानी का वैसे कोई कलर नहीं होता है पर वो ब्लू दिखता है तो उसको लेकर के क्योंकि जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा फर्क ग्लेशियर्स पे पड़ता है क्लाइमेट का चेंज क्लाइमेट चेंज होगा टेम्परेचर राइज करेगा सबसे ज्यादा असर ग्लेशियर्स पे देखने को मिलेगा ग्लेशियर्स पिघलेंगे सी लेवल बढ़ेगा सी लेवल बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वजह से सी लेवल बढ़ने की वजह से एक तो आसपास के जो कोस्टल रीजन है उनको नुकसान होगा और दूसरा रीजन वहां पे रहने वाली जो मरीन लाइफ है वो खतरे में पड़ेगी तो ऐसे करके इन सब चीजों से बचने के लिए ब्लू इकोनॉमी इंडिया और नॉर्वे के आपस में जनवरी 2019 में साइन किया गया एक एग्रीमेंट था जिसका मेन मोटो एनवायरमेंट और क्लाइमेट और ओशन से रिलेटेड कुछ प्रयासों को लागू करना था इज इट क्लियर एवरी आ, आ, राज जी पूछ रहे हैं सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर है क्या मैम फर्स्ट पेपर हिंदी चूज कर सकता हूं और देखिए फर्स्ट पेपर तो कॉमन होता है दस यूनिट होती है सबका आता है सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस में अवेलेबल है ब्रिस्टी मैम पढ़ाती है और आपको इस क्लास इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी ब्रिस्टी मैम की क्लासेस आपको इंग्लिश लिटरेचर की मिल जाएंगी उन्होंने बहुत अच्छा और इफेक्टिवली पढ़ाया है क्लियर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है थर्ड पे चलिए एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी विच बर्ड स्पीशीज शोड अ बिग इंक्रीज इन पॉपुलेशन लाइक ये थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज हमें मिली है कि जब 2020 की जनगणना की गई जनगणना नहीं बोलूँगी पक्षी गणना गणना जब की गई जैसे हमारी गणना होती है वैसे इनकी भी होती है तो ऐसा कौन सा पक्षी था या पशु था जिसको जो जिसने ग्रोथ करी है जनरली हम अक्सर सुनते हैं कि हर साल इतने बाघ कम हो गए यहाँ पर बोला गया है ऐसा पक्षी बताओ जिसने ग्रोथ करी है ऑप्शन है आपके सामने पिजन है सॉरी पिजन नहीं है पिफॉल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है कॉमन ऑस्ट्रिच है एंड टर्की है दोस्तों ये क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे 10:30 एएम पे शार्प स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग मुझे 10:30 एएम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सिर्फ अब एक ही मिशन है मिशन मई ठीक है ना क्या नाम है इसका मिशन मई और एक बात जल्दी से देखिए गाइस ये क्लास आपकी आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने साथियों को बुलाना पड़ेगा एटलीस्ट हंड्रेड क्रॉस आपको करवाने पड़ेंगे आज की वीडियो में तभी हमारा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल होगा जितने लोग होंगे उतने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी करेक्ट आंसर है मोर इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज गाइज इंडियन पिफॉल मोर इसका सही जवाब होगा यह देखिए करेक्ट आंसर इज इंडियन पिफॉल ये देखिए ये आज पहली क्लास है हमारी द करेक्ट आंसर इज इंडियन पिफॉल द स्टेट ऑफ बर्ड रिपोर्ट 2020 ट्वेंटी रिसेंटली रिलीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द ऑन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल यानी कि सी एम एस सीओपी थर्टीन पूरा नाम याद कर लेना दोस्तों फुल फॉर्म एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकता है कि वट इज द फुल फॉर्म ऑफ तो आपको याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन द कंजर्वेशन ऑन द कॉन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज सी एम एस सी ओ पी प्लीज मेरे कहने से फुल फॉर्म जरूर नोट कीजिए सी एम एस सी ओ पी की क्या फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ पार्टीज ऑन द कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज एज वाइल्ड एनिमल

मोर uh, है वो बड़ा है और जो स्पेरोज होती है जिसको हम गोरैया बोलते हैं आपने सुना होगा दोस्तों ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि पहले जो रूरल uh, एरिया है या जो अर्बन एरिया है वहां पर भी पहले जो चिड़िया होते थे या पैरट uh, होते थे वो दिखाई देते थे लेकिन अभी धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं उनकी जो स्पीशीज है खत्म होती जा रही है इसलिए होती जा रही है क्योंकि उनको लेकर के कोई बड़े काम नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि मोर हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है इसीलिए मुझे लगता है कि ये बेसिक रीजन जो है इनकी ग्रोथ का वो ये है क्योंकि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है उस पर ध्यान दिया जाना लाजमी है तो ये कब किया गया था आपके सीओपी पी सी एम एस सीओपी के तेरहवें सम्मेलन के अंदर ये जारी किया गया था और मोर की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी और ये बोला जाता है कि लगभग लगभग एक जो स्पीशीज है वो आपके हाई प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ये आती हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको पीडीएफ मिल जाएगा डोंट वरी आपको इसी क्लास के कमेंट सेक्शन से पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ आप लोग वहां से ले सकते हैं नेक्स्ट देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एशियन एलिफेंट एंड बेंगाल फ्लोरिकन हैव बीन क्लासिफाइड एज विच कैटेगरी अंडर द यूएन कॉन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज बी सी या फिर डी ओके सी मेजोरिटी मिल रही है लाइक क्रिटिकली एंडीशियटी मिलती है देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है तो फोर्थ का करेक्ट आंसर है दोस्तों A. जी हाँ एंडेंजर्ड माइग्रेटरी यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये आपकी लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियां हैं क्यों है प्रवासी प्रजातियां ये देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है कि भारत भारत ने तीन प्रजातियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन यानी कि टाइगर इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशियस के तहत यह आपके अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सूची के अंदर भी है अब आप सोचो कि इसमें क्या किया गया था कि प्रस्ताव को 130 देशों के देशों ने पार्टियों में चल रहे तेरहवे सम्मेलन ऑफ सी एम एस सीओपी में स्वीकार किया इस तरह प्रजातीय कन्वेंशन के परिशिष्ट पर सूचीबद्ध है और दुनिया में संरक्षित है इसका मतलब यह है कि ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एशियन एलिफेंट एंड बंगाल फ्लोरिकन पूरी तरह से आपके तेरहवें सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों ये तेरवा सम्मेलन मैंने आपको अभी जब थोड़ी देर पहले बताया था दो हज़ार तेरवा सम्मेलन कब हुआ था इसका जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि सीएमएस सीओपी का थर्टींथ जो कॉन्वेंशन हुई थी वो कब हुई थी जिसमें आपके इन स्पीशीज को शामिल किया गया था ओके वेरी गुड 2019 ठीक है तो यहां पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देख लेना देखिए स्पीशीज से रिलेटेड एग्जाम में सवाल आपके पूछे जाएंगे अब की बार अगर मैं बोलूं कि हाईली पोटेंशियल सवाल कहां से आएगा तो एक तो रामसर साइड से सवाल आ सकता है क्योंकि इंडिया में 42 टू रामसर साइड ऑलरेडी हो चुकी है और इंडिया के बिल्कुल लास्ट में लाइक दिसंबर के एंड में रामसर साइड बनी थी रामसर साइड से रिलेटेड और स्पीशीज से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा बाकी आपके पॉल्यूशन वगैरह तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन या संगरोध सुविधा स्थापित की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रणथम्बोर नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क एंड गिर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ए बी सी या फिर डी जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ए बी सी एफ डी व्हाट इज द राइट आंसर गाइज सभी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं पहला सवाल यह है कि ऐसा कौन सा पहला नेशनल पार्क है जिसने क्वारंटाइन मतलब एनिमल्स के लिए हमने कोविड नाइनटीन में हम खुद क्वारंटाइन हुए थे वो तो था इंसानों के लिए और अक्सर ये मेम्स भी बनाए जाते थे कि जिनको पहले हमने कैद करके रखा वो खुले घूम रहे हैं और जो इंसान जो सबको कैद करता था वो बंद है पर यहां पे उल्टा चीज कर दी यहां पे जानवरों तक को भी क्वारंटाइन कर दिया गया था काफी लोग बता रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो जी हाँ बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है द राइट आंसर है राइट आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये क्या है दोस्तों सबसे पहले देखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो दुनिया का सबसे सॉरी इंडिया का सबसे बड़ा सॉरी इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क माना जाता है ये माना जाता है कि एटलीस्ट 1935 के अराउंड इसने अपना एस्टेब्लिश किया था 1935 के अराउंड इसको नेशनल पार्क की कैटेगरी में डाला गया था जिम कॉर्बेट द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया टअप द कंट्रीज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल द नेशनल पार्क इज सिटेड इन परूही गल रीजन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आपके उत्तराखंड के अंदर सेटअप है अब जो हमारा सवाल है वो भी हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्या इसके बारे में पूछ रहे हैं तो देखिए संयुक्त तो राज्य अमेरिका में ब्रोक्स चिड़ियाघर में कोविड नाइनटीन के लिए एक मलायन बाग का परीक्षण सकारात्मक होने के बाद भारतीय पार्क ने जानवरों को अलग अलग करने के लिए अपने परिसर के भीतर लगभग दस संगरोध केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया ये पिंजरों का संग्रह सुविधा में परिवर्तन किया जाना है तो ये सवाल हमारे सामने आ सकता है कि पहली बात तो ये कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहला एनिमल्स के लिए क्वारंटाइन सेंटर डेवलप किया गया दस क्वारंटाइन सेंटर डेवलप किए गए लेकिन सवाल दूसरा ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया तो ये हमें इंस्पिरेशन मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक जू था जिसका नाम था ब्रॉक्स ब्रॉक्स के अंदर एक बाघ पाया गया था कोविड नाइनटीन से संक्रमित तो ये लगा कि अगर बाघ से किसी को फैल जाए तो यहां पर हमारे इंडिया ने क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया यहां के एनिमल्स को ओके आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द टर्म लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज यूज टू प्रोडिक्ट विच पैरामीटर रेंज लॉन्ग जो लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट है जिसको हम बोल सकते हैं एल आर एफ शब्द जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस पैरामीटर की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया गया था इन्फ्लेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मानसून रेनफॉल एंड पैंडमिक ये डी एफ क्या है पुष्पा जी एफ ऑप्शन तो मेरे सामने ही अवेलेबल नहीं है आप कौन सा डी एफ कर रही है गाइज आज हमें क्लास में एटी फाइव चल रहा है मैं मानती हूं कि कल हमारी क्लास में हंड्रेड प्लस होने चाहिए क्योंकि आप सभी मान गए होंगे कि जो एमसीक्यूज़ क्यूज बिल्कुल नए हैं और थोड़े से यूनिक हैं सवाल आ सकता है एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है तो अब मैं अगर मेरे सवाल पे आऊं तो जो हमारे एल की बात हो रही है जिसको अभी न्यूज में भी आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं देखा क्वेश्चन में तो है कि न्यूज में था इसको किसके लिए किया गया तो काफी लोग बोल रहे हैं सी ऑप्शन सो सी ऑप्शन इज द राइट क्योंकि आपके मानसून रेनफॉल के लिए काम में लिया गया था देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग आई एम डी इंडियन आ, इंडियन मानसून डिपार्टमेंट ओ सॉरी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम सॉरी सॉरी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट एल आर एफ फॉर साउथ वेस्ट मानसून सीजन अब यहां पर आपके साउथ वेस्ट मानसून सीजन आया है ये जो सवाल है दोस्तों इससे आपके चार सवाल सॉल्व होंगे पहला तो ये एल आर एफ क्या है आपको पता चल गया होगा आई एमडी क्या है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या रिसेंटली पहला ही इसका स्टेज रिलीज किया गया और यहां पे बोला गया है स्पेशली इंडिकेट किया गया है कि ये जो आपका एल आया था ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन के लिए था तो एक चीज याद रखना दोस्तों हमारा जो इंडिया है इंडिया को एक बार रुकिएगा। देखो कुछ ऐसा हमारा इंडिया का मैप है हमारे इंडिया पे गाइस दो तरह के मानसून होते हैं याद रखना एक इधर पाया जाता है आपके अरब सागर इधर पाया जाता है आपके बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल तो देखिए अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से मतलब कि एक जो मानसून होता है ये जो डायरेक्शन हो गया कौन सा हो गया ये उसका ईस्ट पार्ट हो गया ये वेस्ट पार्ट हो गया ये साउथ पार्ट हो गया और ये नॉर्थ पार्ट हो गया तो देखिए साउथ वेस्ट से मतलब कि कुछ मानसून का डायरेक्शन अगर ऐसा होगा तो वो हमारा कैसा मानसून कहलाएगा साउथ वेस्ट मानसून क्लियर कैसा कहलाएगा डायरेक्शन अगर इस तरीके का होगा तो वो हमारा कहलाएगा साउथ वेस्ट मानसून ऑन एन अदर हैंड अगर यही चीज आपके यहां से आ रही है क्योंकि हम सभी ज्योग्राफी के अंदर होता है दोस्तों आपके जो वेस्टर्न लीड्स होती हैं पछुआ पवने जो होती हैं उनकी वजह से भी बारिश होती है आपके मेडिटेरियन सी से ईरान इराक होती हुई हिमालय से आती है और उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहता है ठीक है तो क्योंकि ये हिस्सा है नॉर्थ का ये हिस्सा है ईस्ट का तो ये मानसून आपका कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून तो ऐसे करके आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो एल आर एफ है ये साउथ साउथ मानसून के लिए बोल रहा है या नॉर्थ मानसून के लिए बोल रहा है सो द राइट आंसर इज नॉर्थ मानसून जिससे हमारे दो जून के आसपास केरल में सबसे पहले बारिश होती है यहां पे केरल में सबसे पहले बारिश हुई यहां से क्रॉस करता करता जो हमारे बारिश होती है ना जो मानसून सीजन होता है एक्चुअल में जो जून से स्टार्ट होता है और अगस्त सितंबर तक चलता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है और जो आपके सर्दियों में जो बारिश होती है वो आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून या वेस्टर्न लीड से होती है और सर्दियों में होने वाली जो बारिश होती है उनको रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की तो राजस्थान में इसे मावट के नाम से पुकारा जाता है तो देखिए एक सवाल था एक सवाल से आपके चार जवाब जो हैं वो सही हुए हैं बस आपकी क्लास हो चुकी है आई नो कि आपकी दूसरी क्लास है क्लासेस आपकी हो चुकी है नो no डाउट बट आप लोगों के लिए नेक्स्ट क, अल, कल की क्लास में मैं और भी सवाल जवाब लेके आऊंगी उम्मीद तो करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे थोड़े से क्या है हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए सो गायज थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए आज आप अब आप लोग फ्री हैं बस हाँ आपको क्या करना है कल क्लास को और शेयर करना है अब आपकी जो क्लास होगी वो मंडे को होगी मंडे को टेन थर्टी एम पे और इन्हीं एमसीक्यूज के साथ में मैं आऊंगी क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं लाइव चैट में भी बता सकते हैं और हाँ याद रखना आज ही कम्युनिकेशन के भी नौ नौ बजे क्लास है नाइन पीएम पे नाइन पीएम पे कम्युनिकेशन की क्लास है जहाँ पे आप सीधा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच अ नाइस डे बाय